ਬੰਧਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही सुंदर सिंपल सा मेकअप शेयर कर रही हूँ जो कि दिवाली के लिए परफेक्ट होगा। एंड बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है एंड ग्लैमरस है। कोई भी कलर की ड्रेस आप पहन रहे हो, किसी भी तरीके का अटायर आप पहन रहे हो, इस मेकअप को आप कर सकती हैं। बट मैं पर्सनली इस पूरे लुक को बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा है, ये पूरा लुक स्पेशली इस दिवाली के लिए। ये जो बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस है एंड ये जो भी जितना भी मेकअप मैंने यूज़ किया है, सारी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई हैं एंड सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। मैंने सोचा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ऑलरेडी चली रही है और ऊपर से अभी दिवाली सेल भी आने वाली है, तो आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मैं अगर अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करके आपको बताती हूँ। तो इसलिए ये जो खूबसूरत सी मैंने रेडीमेड साड़ी पहनी है ये भी अमेज़ॉन की है, मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। एंड चलिए जल्दी से हम पूरा मेकअप देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी मेकअप करने से पहले हमें हमारे स्किन को प्रिपेयर करना होता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर जो कि है कामा आयुर्वेदा का, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। फिर मैं मेरा फेवरेट प्रोडक्ट लगा रही हूँ जो कि मेरा रीसेंट फेवरेट है, जो कि है लैक्मे की ल्यूमी क्रीम जो कि स्किन को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है और मेकअप तो इतना फ्लॉलेस दिखता है ना, इससे एकदम चमक उठता है मेकअप। मुझे अभी आजकल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी करवा चौथ में ही मैंने ये लगाया था। बहुत ही क्विकली हो जाता है मेकअप और काफ़ी सुंदर लुक आता है। देन मैंने लगाया कलरबार का प्राइमर, क्योंकि प्राइमर लगाने से भी आपका मेकअप जो है वो ड्यूई होता है एंड इन सारे प्रोडक्ट्स में मुझे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिला अमेज़ॉन पर, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली अमेज़ॉन से ये सारी चीज़ें लूँ ताकि प्रिंट रेट से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमारी स्किन जो है वो प्रेप हो चुकी है, स्किन केयर अच्छे से हो चुका है। अब मैं लगा रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये प्राइमर लगाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है अपने फेस पर। मैंने डॉट 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 लगाया एंड फिर उसके बाद में एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर, हल्के गीले ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पर इस जो फाउंडेशन है इसको बहुत ही अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और जब आप फाउंडेशन लगाती हैं ना तो पूरा टाइम दीजिए उसे ब्लेंड करने के लिए, क्विकली ना करें क्योंकि अगर आपका बेस अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो मैंने अपने मेकअप को ब्लेंड करने, मतलब फाउंडेशन को ब्लेंड करने में ही ऑलमोस्ट मैंने 3 से 4 मिनट लिए एंड सेम फाउंडेशन को ही मैंने एज कंसीलर अपने आईज़ के अराउंड थोड़ा थोड़ा लगा लिया। तो मेरा जो मेकअप बेस है वो भी रेडी हो गया है और मुझे ये मेकअप बेस बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं लैक्मे 9 to 5 कॉम्पैक्ट मैंने अपने फेस पर लगाकर इस फाउंडेशन को एकदम अच्छे से सेट कर लिया। आप देखिए कितना खूबसूरत एकदम फ्लॉलेस मेकअप बेस दिख रहा है। देन मुझे ये बहुत अच्छा लगा पैलेट, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया, काफ़ी अफोर्डेबल है, 300 समथिंग में। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर शेड्स हैं प्लस ग्लिटर्स भी हैं, ग्लिटर अलग से परचेज करना पड़ता है एंड कलर पे ऑफ वगैरह भी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने आई मेकअप के लिए जो पर्पल वाला पूरा पैलेट है ना वो यूज़ किया था। तो सबसे पहले मैंने ये बहुत ही लाइट स्किन कलर को यूज़ कर रही हूँ एज ट्रांजिशन शेड। तो मैंने अपनी पूरी लिड एरिया में एक अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने ये जो बिल्कुल लाइट स्किन कलर या फिर ऑरेंजिश एकदम लाइट ऑरेंज कलर को अपनी पूरी लिड पर एज ट्रांजिशन शेड लगा लिया। अब मैंने हल्का सा ब्राउन कलर लिया है सेम ब्लेंडिंग ब्रश पर और उससे मैं अपनी आईज़ में थोड़ा सा डिप्थ ऐड कर रही हूँ जो मेरा क्रीज है उस पर इस डार्क कलर को लगा लगा के। एंड देन लास्टली मैंने लिया है पर्पल कलर क्योंकि मैं जो आई मेकअप है वो पर्पल करना चाह रही थी, आजकल काफ़ी ट्रेंडी है और मेरा जो ड्रेस है थोड़ा सा बेज टाइप का कलर, इसके साथ में कंट्रास्ट में ये जो पर्पल कलर है ना इसका आई मेकअप बहुत अच्छा जाता है। तो पर्पल कलर लगा करके हल्का सा एक शाइनी पर्पल कलर भी उसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया एंड फिर इन सारे जितने भी कलर्स मैंने लगाए हैं ना इनको मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर दिया। तो अगर आप देखेंगे तो पर्पल का इफेक्ट आ रहा है। सिंपल है, आपको लाइट कलर से लगाना स्टार्ट करना है और डार्क शेड तक के लिए जाना है एंड सेम पर्पल को मैंने अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे भी लगा लिया। देखिए क्रीज वगैरह ड्रॉ करना जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनका काम होता है कि बिल्कुल क्रीज ड्रॉ करके फिर क्या कहते हैं आई मेकअप कर रहे हैं, हम नॉर्मल लोग ना इस तरीके से ही मेकअप करते हैं जो कि काफ़ी सुंदर भी दिखता है और गलत होने का भी चांसेस बहुत कम होता है। फिर मैंने मेरी जो ब्राउ बोन है उस पर थोड़ा सा हाइलाइटिंग शेड लगाया और अब मैं अपनी आईब्रो को शेप दे रही हूँ ब्राउन आई शेडो से।
अब आजकल मेरा ये फेवरेट हो गया है. मैंने इवन रियल लाइफ में भी मेकअप करती हूँ तो मैं भी यही कर रही हूँ. मैं क्या करती हूँ, ब्लैक आई शेडो को हल्का सा रोज़ वाटर से गीला करके और फिर उसको एज आईलाइनर लगाती हूँ. डबल टाइम उसको रफली लगाती हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्मजी लुक भी दे. प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी अच्छा आईलाइनर लग जाता है अगर हम आई शेडो को यूज़ करके आईलाइनर लगा रहे होते हैं तो. यहाँ पर मैंने अब लगाया है फेसेस कैनेडा का बहुत ही बेहतरीन वाला काजल जो कि जेट ब्लैक है. एंड देन आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए लास्टली मैं यहाँ पर ये मस्कारा लगा रही हूँ. यह है कलरबार का बेस्ट मस्कारा. आप मेरे आईज़ में डिफरेंस देखिए दोनों आईज़ में. अभी उसमें मैंने नहीं लगाया था एंड अब दोनों आईज़ में मैंने लगा लिया है. मतलब इतना अच्छा इफेक्ट अगर मस्कारा दे तो फॉल्सिंग्स की क्या ज़रूरत है. देन मैं यहाँ पर ये शुगर का ब्लश ऑन ले रही हूँ जो कि कॉन्टोर शेड में है. बट मुझे यही कलर चाहिए था, थोड़ा सा न्यूडिश कलर चाहिए था ब्लशर के लिए. मुझे वो पिंक कोरल रेड इस टाइप के कलर्स नहीं चाहिए थे इसलिए मैंने ये बिल्कुल कॉन्टोर वाला शेड लिया है ब्लश ऑन के लिए. तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया. देन इसके बाद में मैं हाइलाइटर लगा ले रही हूँ मेरी चीक बोन पर, नोज़ पर, क्यूपिड बो पर एंड फोरहेड पर. हाइलाइटर बहुत कम लगाया तो अगर आप देखेंगे तो मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस हुआ है. आई मेकअप थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा डार्क कलर्स हैं इसलिए मैंने लिप्स को एकदम न्यूड रखा है. लॉरियल की ये लिपस्टिक है. शेड एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सेल अच्छी चल रही है तो आप अमेज़ॉन से ज़रूर शॉपिंग करें, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये जो ड्रेस है ये काफ़ी अफोर्डेबल है. आई थिंक 1200 के आसपास में ये जो साड़ी है ये है. तो किसी पेटीकोट की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं. आपने बस स्कर्ट जैसे ये साड़ी पहन लेना है. काफ़ी खूबसूरत लगती है. कलर कितना ज़्यादा ट्रेंडी है. तो मेरा तो एक्चुअली दिवाली में पहनने के लिए ये एक ऑप्शन है. हो सकता है मैं इसी को दिवाली में पहन लूँ क्योंकि बहुत ही ईजी टू कैरी है. सो ये है मेरा सिंपल सा मेकअप लुक दिवाली के लिए. पसंद आया होगा तो लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.